मतदान के एक रात पहले दोनों पक्षों में खूब तनातनी चली थी। वार्ड क्रमांक 20 में तो भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे। दोनों के कार्यकर्ताओं में डंडे और कुर्सियां चल गई हैं। चार लोगों को चोट आने की सूचना मिली है। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। झड़प थाने में भी हो गई थी। थाने के कांच भी टूट गए थे। घटना की शुरुआत न्यू गौरीनगर स्थित भाजपा कार्यालय से हुई है। पुलिस ने फरियादी महेंद्र पाल पिता रामहर्ष पाल निवासी न्यू गौरीनगर की शिकायत पर आरोपी अमित पटेल, कुलदीप मालवी, पवन पटेल, चंद्रशेखर पटेल, मोहन यादव के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक वार्ड क्रमांक 20 से कांग्रेस नेता अमित पटेल की पत्नी यशस्वी पटेल और भाजपा से सोनू ठाकुर की मां कमला ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं। आरोप है कि मंगलवार रात अमित पटेल साथी कुलदीप मालवीय व संजू चौधरी के साथ भाजपा कार्यालय में घुस गया और खूब तोड़फोड़ की थी। आरोपितों ने कार्यालय से डंडे उठाकर कार्यकर्ताओं को मारना भी शुरू कर दिया था। वहीं रखी कुर्सियां भी उठाकर फेंक दी थी। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा पदाधिकारी कांग्रेस के लिए काम कर रहे युवकों को धमका रहे थे। उनके साथियों को गंभीर चोट आई है, लेकिन पुलिस ने सिर्फ आवेदन लेकर रवाना कर दिया है। घटना के बाद दोनों पक्ष हीरानगर थाने पहुंचे तो दोबारा आमने सामने हो गए। थाना परिसर में ही पुलिस वालों के सामने लात घूंसे चल गए और पुलिस देखती रही। मंगलवार रात इसी तरह कई जगह शराब व रुपए बांटने की भी शिकायतें मिली हैं। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज नहीं किए हैं।